नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं मोबाइल क्या है, मोबाइल फ़ोन के लाभ और नुकसान क्या है। दोस्तों आपको हम बता दें कि पहले टेलीफोन के बाद जैसे ही मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ और ये लोगों के हाथों में आया, वैसे ही सब कुछ बिल्कुल बदल गया। अब लोगों को एक जगह से टेलीफोन से चिपक कर बात करने की ज़रूरत ही नहीं रही। लोग कहीं भी बैठकर, लेटकर, चलते हुए बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन अब स्मार्टफोन में बदल गया है। इंसान की जीने का तरीका ही बदल गया। शुरू में तो कई बार ऐसा होता था कि लोग सोचते थे कि ये अकेला आदमी अकेला खुद से बातें कर रहा है क्या, लेकिन ये एक तो चमत्कार से भी कम नहीं था। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं मोबाइल क्या है, मोबाइल फ़ोन के लाभ क्या है और नुकसान क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया, कब हुआ था, तो ये आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा मोबाइल क्या है और इससे लाभ क्या है और नुकसान क्या है। व्हाट इज मोबाइल? एक मोबाइल यानी कि फ़ोन ऐसा वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस है जो यूजर को दूसरे को कॉल लगाने और आए हुए कॉल को रिसीव करने की सुविधा देता है। इसके साथ ही टेक्स्ट मैसेज संदेश भेजने के भी फैसिलिटी देता है। पुराने मोबाइल फ़ोन में बस कॉल करने और रिसीव करने की ही सुविधा होती थी, लेकिन आज के मोबाइल फ़ोन में वेब ब्राउजर, वीडियो, म्यूजिक प्लेयर, कैमरा, गेम्स, मोबाइल को हम बहुत सारे नामों से भी जानते हैं, जैसे सेल फोन, हैंडसेट, वायरलेस फ़ोन। अब दोस्तों आपको चलिए बताते हैं मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे क्या हैं। मोबाइल फ़ोन की वजह से हम अपने सगे संबंधियों से कभी भी बात कर सकते हैं। ऐसे भी नहीं है कि इसके लिए कोई ख़ास वक्त फिक्स किया गया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि आप दिन भर में कभी भी 24 आवर फ़ोन कर सकते हैं। पहले फ़ोन को बड़े होने की वजह से घर में ही रखा जाता था, लेकिन अब इसकी साइज इतनी छोटी है कि सभी पॉकेट में रखते हैं। ज़रूरत के अनुसार हम मोबाइल फ़ोन में ही अनगिनत ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो ऐप टिकट बुकिंग से जुड़ा हो, बैंक से जुड़ा हो, या फिर कोई वेब ब्राउज़र हो, या गाना सुनना हो, सभी के लिए एप्लीकेशन होता है। इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए पहले हमें साइबर कैफे जाना पड़ता था या फिर कंप्यूटर की ज़रूरत होती थी, लेकिन मोबाइल तब से हर वक्त इंटरनेट का इस्तेमाल करना आसान हो गया है। मोबाइल में इंटरनेट के लिए 3G 4G के आने से सुपर स्पीड से इंटरनेट चलता है। मोबाइल फ़ोन अगर साथ होते हैं तो ये एक तरह से हमें सुरक्षा देते हैं, खासकर लड़कियाँ जो अकेली होती हैं और बाहर जाती हैं, वो कभी भी अपने जान पहचान के लोगों को फ़ोन कर सकती हैं, ख़तरा महसूस होने पर और मदद मांग सकती हैं। ये सब भी मोबाइल के बहुत सारे फायदे हैं। मोबाइल फ़ोन के नुकसान क्या हैं? जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने अभी तक जाना कि मोबाइल फ़ोन से सिर्फ फ़ायदे होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि मोबाइल बहुत सारे नुकसान भी हैं जिनकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं। पढ़ाई मतलब लिखाई जो होता है उनका ध्यान जो है उस पर कम होता है। उनको मोबाइल फ़ोन की ऐसे लत लग जाती है कि रियल लाइफ से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। इस तरह से वो अपनी पढ़ाई लिखाई जो होता है उनका करियर पर ध्यान ही नहीं होता है। मोबाइल फ़ोन के लगातार इस्तेमाल से लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। दिन भर ढेर सारा रेडिएशन शरीर के अंदर जाता है, बहुत नुकसान देता है वो। यहाँ तक कि लोग सोते वक्त भी मोबाइल को अपने सर के आसपास ही रखते हैं। अक्सर लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो ड्राइविंग करते वक्त भी फ़ोन का उसे यूज करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। हमें मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट और कॉल के इस्तेमाल करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं और खर्च भी बढ़ जाता है। आजकल मोबाइल में हमें अपने हर डाटा यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन भी रखते हैं। अगर कभी मोबाइल गुम हो गया आपका या चोरी हो गया,
हो जाए तो लोगों को शरीर से जान निकलने का एहसास हो जाता है। मोबाइल के लगातार उपयोग करने से ऐसा असर लोगों को नींद न आने की समस्या भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।